हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है, गुड इवनिंग चल रहा है। इवनिंग नहीं, 3 बज रही है। साबित हो गया अभी नहाया इनने। तो आपको पता ही है गाइस, मैं लेट सोता हूँ। सुबह मैं 6 बजे सोया था, तो ऑब्वियसली लेट तो उठूंगा, 12-1 बज गए थे मुझे उठने में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा पार्किंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो सूख गया होगा। तो चलो जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। आजकल भारी हो गए कुछ ज्यादा ही भाई, बाल भारी हो गए इसके। आजकल बाल बढ़ रहे हैं ना, बाल के साथ साथ भाव भी बढ़ रहे हैं। वो एक सूखा नहीं है, सूखा नहीं है, नहीं सूख गया, नहीं सूखा भाई, सूख गया क्या? पक्का सूख गया? अब तो विश्वास हो गया होगा इस पक्का, क्योंकि इस तरह का एरिया तो हम पार्किंग के लिए बनाते हैं। कहीं अब भी विश्वास ना हो। क्यों मजे ले रहे हो है? चलो कोई बात नहीं, जब गाड़ी आएगी तब हो जाएगा अच्छे से। गाड़ी के लिए साइकिल के लिए बना रहे हैं। देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, हम दोनों के बाल एक जैसे हैं, बिल्कुल सिल्की सिल्की है ना। मेरे भी तेरे रहने नहा के तो आ पहले। तो गाइस अभी ओरियो को पता नहीं क्या हो गया, पूरा खेत उजाड़ दिया ओरियो ने। मुझे लग रहा है गलती कर दी इसको यहाँ पे लाके। लालच दे इसको, लालच दे भाई, उसको पता है तू पकड़ेगा उसको। पकड़ पकड़, आ गया हाथ में। पीयूष आज फिर से चला रहा है। छोड़ना, अपने अपना जुनून आ गया। छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़। ओहो ओहो ओ ओ, बाप यूसी सीख गया। ओए ओए, गाड़ी में ठुकेगा कहीं। ओए गया। Get up, stretch my legs. Eat some breakfast. Look at eggs. Brush my teeth up. Wash my face. आज कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है ये। एक्चुअल में चला भी रहा है, हमसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। मतलब एक के पीछे कितने सारे चल रहे हैं, पता है क्यों चल रहे हैं? हम तो चल रहे हैं कि अगर गिरेगा तो हंसी आएगी। हाँ, तमाशा देखने के लिए चल रहे हैं, तेरे गिरने का वेट कर रहे हैं। ये पापा जी की टी शर्ट है, डालते तो है नहीं, साफ कर लेता हूँ इससे बाइक। कहीं डांट ना दे मेरे को। Brush my teeth up, wash my face, throw my clothes. चल तू अंदर, bye, आके मिलेंगे. 1, 2, 3, drink some water, brush my teeth, get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. आजकल पीयूष को नया भूत चढ़ा है इसको सीखने का. भूत थोड़ी चढ़ा है, जुनून चढ़ा है. जुनून चढ़ा है. और आज इसने मतलब literally improve किया है. कल तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ये। पीछे अगर तूने सीख लेना अच्छे, तेरे को पक्का दिलाएंगे। क्या नाम है इसका? काटता तो नहीं है ना? रॉकी, आजा रॉकी भाई। नहीं, पापा जी भी आ गए। वाह, पापा जी और चाचा जी सीखेंगे बाइक और पीयूष सीखेगा स्केट्स। ओहो, वेल डन पीयूषी भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक दिन में। बिकॉज इस पे नहीं, कोई बात नहीं, होता है वो तो, कोई बात नहीं। बिकॉज इस पे खड़ा होना ही बहुत मुश्किल काम है, ये तो फिर भी स्केट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखने में इजी लगता है जब, हाँ हाँ, जब कोई करता है ना तब देखने में इजी लगता है। जो कोई भी मेरे से मांगते है ना, फिर वापस देता है ना, कहता है आज की बात नहीं चलाऊंगा। रेस कम, रेस हल्की, रेस हल्की, हल्की सी, हल्की हल्की रेस दो, और वो क्लच छोड़ो हल्का का। मैंने आपको बताया ना, क्लच, क्लच ही सब कुछ है इसमें। अगर आपको क्लच आ गया तो समझो सब आ गया। पैर यूज मत करो। अरे धक्का क्यों दे रहा तू? आयो ए, आयो, वो कह रहा ना दे, उसकी स्केट बोर्ड है, अगला खुद कह रहा है दे। मैं नहीं देता दे। अरे यार, मैं नहीं देता। खोल इसको। क्यों? ओ, खोल। पापा जी दे नहीं रहा यार, वहाँ भी चला रहा था, यहाँ भी चला रहा, दे ही नहीं रहा ये। तो गाइस साहिल यहाँ पे गुस्सा हो चुका है पीयूष से, बिकॉज पीयूष को दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा बहुत इनके बीच में लड़ाई वड़ाई हो चुकी है, जो कि मैं नहीं दिखा सकता। बिल्कुल बढ़िया, देखो देखो। और चाचा जी भी देखो, चाचा जी भी सही चला रहे हैं बिल्कुल अकेले में वो भी। वाह चाचा जी वाह, वेल डन, ये गिर चुका है। भाई साहब ये क्या था? सीधा बम बम सब फूट गए होंगे इसके। देखो इन्हें ये।
तो गाइस ठंड इतनी ज्यादा हो रही है ना, और मैं कपड़े में डाल के देखो ओनली एक छोटी पतली सी जैकेट है ये, और अंदर से इनर है बस। बहुत ठंड हो रही है, अब जाने में दिक्कत आएगी बिकॉज चला के ले जानी है। और पीयूष काफी सीख गया, मतलब काफी ज्यादा सीख गया है, और चाचा जी देखो काफी सीख गए, काफी ज्यादा सीख गए हैं। एंड यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, फिर से गिर गया वो गिरने में है, जब से चला रहा है तब से 20-30 बार गिर गया वो। चलो कोई बात नहीं, गिरेगा तभी तो सीखेगा भाई। फ्री फायर उनसे तो बढ़िया है, आउटडोर है अपना, कुछ सीख रहा है, पैर खुल रहे हैं, शरीर काम कर रहा है। अब फ्री फायर लवर्स, फ्री फायर के बारे में कैसे बोला, अनसब्सक्राइब करो, लाइक अनलाइक करो। तो अब पापा जी की बारी है, पापा जी देखते हैं स्टार्ट करते हैं चला पाते हैं नहीं। हाँ, ओहो, आराम से। तो हमको ना यहाँ पे देखो अंधेरा हो चुका है और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बिल्कुल कम स्पीड में चलानी पड़ेगी। तो अभी हमने डिनर कर लिया है, पूरी फैमिली फाइनली ऊपर आ चुकी है बहुत दिनों के बाद, ठंड में मैंने इनको बुलाया ऊपर। वैसे अभी फॉग नहीं है, देखो कैमरे में सिंबल है ना ठंड का। पीयूष ने आज जैसे कि आपने देखा स्केट्स ऑलमोस्ट सीख ही लिए हैं, बस थोड़े बहुत बाकी है, तो कॉन्फिडेंट हो चुका है, तो देखते हैं कब तक कंप्लीटली आ जाते हैं। एंड पापा जी ने बाइक बिल्कुल अच्छे से सीख लिए हैं, सीख लिया है। एंड चाचा जी ने भी, तो कैसा लग रहा है, बढ़िया? अब तो अकेले चलाऊंगा घुमा के। पीयूष का ना एक खतरनाक सीन आया गिरने वाला, जो कि मैं एडिटिंग करने में तुम्हें चलेगा पता, इसके बम बम सब फूट गए होंगे भाई। पट गिरा था फिर जाके। वैसे कैसे लगा आज गिर के, मतलब बम बम फुटा के अपने, कैसे लगा? वैसे मुझे एक बात तेरी अच्छी लगी कि तू हार नहीं मान रहा था इतनी बार गिर के भी, मतलब इतनी बार गिरा मम्मी जी, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी। तो वेल डन पीयूष, ऐसे ही करते रहे, हर काम में ऐसे ही काम करना चाहिए, चाहे कितनी ठोकर लगे हमको हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हम कितनी बार गिरे, चाहे कितनी बार हमारे बम फूटे, कुछ भी हो हार नहीं माननी चाहिए। ओए बम फोड़ दो इनके, हार मत मानो। ओए ये ओलियो कैसे दिख रहा है, टियो 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 ओली, हर समय ऐसे ही बोलता है मेरे से, मेरी बारी मम्मी। कहने से क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। आप 5 रुपए दे दो तो ऐसे बग्गल लगा के 5 रुपए? हाँ 5 रुपए। मैं 10 देता हूँ फालतू। वो जाद, आप 5 कहाँ ले जा रहा है तू? हाँ अब 10 ले रहा हूँ मैं, अब मेरी सैलरी बढ़ गई है। तो गाइस अभी ओरियो के कान गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ के ओरियो। ओम शकला का भूखा लगा छू। ओरी अबे कान कहाँ गए, ओरी अबे कान कहाँ गए, टकला ओरी। गुड नाइट कहने का समय आ चुका है, अब सुबह मिलेंगे सबसे। यहाँ ठंड नहीं लगती उसको, ऐसे सोया रहता है ऊपर से वो, नहीं लगती ठंड यार, अंदर सुला उसको, नहीं लगती ठंड, फर है उसके, फिर वहीं सुलाओगे। एट द एंड आना मेरे बेड पे ही है उसको। मम्मी जी को मैं समझा के थक गया कि वो वहाँ नहीं सोता, वो आके मेरे बेड पे ही सोता है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं भी ड्राइंग करूँगा, जब तक आज कंप्लीट करके रहेंगे, चाहे मुझे सुबह के 3 बज जाए लेकिन कंप्लीट जरूर करूँगा मैं। तो चलो बनाता हूँ और मिलते हैं आपसे, जब भी कंप्लीट होगी तब मिलेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बज चुके हैं, पूरी रात भर ड्राइंग बना रहा था, और इसको बनाने में मतलब मुझे 15 घंटे से भी ज़्यादा लग चुके हैं कंप्लीट, अगर मैं बात करूँ। और मैंने एडिटिंग वगैरह भी कर ली है, तो अब मैं जाऊँगा सोने के लिए, और इसकी वीडियो भी कल आ जाएगी आर्ट वाले चैनल पे, तो वहाँ देख लेना आप। बाय द वे ओरियो भी सो रहा है अच्छे से, 4 बज के उठ जाओ। चलो इसको सोने देते हैं और अब मैं भी सोता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहाने के बाद तो फीलिंग अलग आती है ना, बॉल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। एक दिन नहा लिया तो ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो।